कोई परेशानी आप लोगों को किस तरह से? हमारे स्टैंड नहीं अभी तक बने, कुछ नहीं, हमारी सहूलतें नहीं बन रही, कुछ ना रेल आ रही है ना हमारे तो स्टैंड बन रहे हैं ना कुछ। आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की? आपके कोई यूनियन के प्रेसिडेंट हो जो आपके? सर जी हैं ना, क्या बोलते हैं, तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी से हम मिले हुए हैं सब, उनसे ही बात कर रहे हैं, वो हमारा काम शाम करवा रहे हैं, वही सब वो खुश है, सवारी खुश है हमारे ये काम करने का। सवारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी देती है हमें, ठीक है जी, हमें सुविधा मिली है, अच्छी मिली है। गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमें भी कोई सुविधा दो, अच्छी सुविधा दो, हमें स्टैंड दो, कहीं दो, कहीं अच्छी तरह से हमें भी सब पता चले भी हम ई रिक्शा चला रहे हैं। पहले आप क्या काम? मैं पहले बस चलाता था, मैं बस ड्राइवर। अच्छा, बस से फिर आप ई रिक्शा पे आए, कितना फर्क पड़ा है पहले? बहुत सारा फर्क पड़ा, जो मैं वहाँ कमाता था वो मैं यहाँ कमा रहा हूँ, तो उधर जाने का कोई फायदा नहीं हो, जो हमें यहीं बन रहा है। जैसे ये हम मोहल्ले में चल रहे हैं, कुछ बाहर की गाड़ियाँ आती हैं वो सवारी उठा के ले जाएंगे, फिर उनसे जगड़ना पड़ता है। जैसे हमारा स्टैंड है, बाहर की सवारी आती है, ई रिक्शा आता है, वो बाहर से उठा के ले जाएगा। कई बार आप लोग किराया 100 रुपए 150 रुपए, वो तो फिर काले ऑटो वाले तो ना अपोजिशन पार्टियां तो बोलती रहेंगी ना एक दूसरे के लिए। पहले हम बोलते थे कि लोग बोलते थे काले ऑटो वाले बहुत पैसे लेते हैं। आप खुद सवारी उठाते हैं? सवारी आती नहीं, सवारी हमारे पे खुद आती है, हमने क्या उठाना, अभी तो स्टॉप पे लगाए होते हैं तो इधर खुद ही आते हैं, सवारी बैठती है तो लेके। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूँ संदीप मिश्रा। जम्मू जो है अब स्मार्ट हो रहा है और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत जम्मू के अंदर ई रिक्शा परियोजना जो है वो प्रशासन की तरफ से लाई गई थी, जिसके बाद जम्मू में ई रिक्शा जो है वो देखे गए, लेकिन अभी भी जो है कई बार मतभेद सामने निकल के आता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि तमाम जो ई रिक्शा इस समय जम्मू शहर के अंदर चल रहे हैं अलग अलग स्टैंडों पर जाकर, कि उनका क्या कहना है, उनमें कितना जो है फ़र्क आया है, उनके रोज़गार को कितना जो है इफ़ेक्ट पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से जम्मू स्मार्ट सिटी के CEO ने भी कहा था कि इससे जम्मू में युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो देखना ये है कि कितने लोगों को रोज़गार मिला है और कितने लोगों के जीवन में जो है परिवर्तन आया। मौजूद हूँ भगवती नगर के ई रिक्शा स्टैंड पर और ये तमाम ई रिक्शा चालक मेरे साथ हैं, इनसे बात करूँगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विक्की है। विक्की, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो है ई रिक्शा योजना जो है प्रशासन लेकर के आई थी, कितना फर्क पड़ा है आप लोग के जीवन काल में? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप पहले क्या करते थे? पहले काला ऑटो चलाता था। काला ऑटो चलाते थे, पेट्रोल ऑटो, और आज तो काले ऑटो के साथ ही मतभेद देखने क्या को मिल रहा है। वहाँ पे फिर तेल भी इतना महंगा था, तो सवारी इतना पैसा भी नहीं देती थी, तो काम का भी बहुत कम था, इसलिए हमने सोचा तो चलो ई रिक्शा आया, थोड़ा सस्ता है तो ये चलाते हैं, कोई 4 पैसे इसमें कमाएंगे और अपना घर बार पालेंगे। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हम अपने पता लगा कि हमारे यहाँ पे जूनियर का कोई चेयरमैन है, फिर हमने उनसे बात की, उनके पास गए, फिर उन्होंने थोड़ा सा किया उसमें, हमें जैसे 5,000 के चलान भी हुए थे जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, हमारे पास तो ऑलरेडी आगे लाइसेंस था, जिनके पास नहीं था हमने बताया उनको, फिर इन्होंने जो भी किया आगे गवर्नमेंट से करके जो भी किया थोड़ा बहुत उसका हमें राहत मिली, चलान हमारे बंद हो गए उन्हें, उसके बाद तो हमें ठीक ही चलता रहा इसका। तो फिर किसी ने हमें काले ऑटो में ज़्यादा कमाई थी या ई रिक्शा में कैसे कमाई चल पा रहा है? कमाई तो पहले काले ऑटो की ठीक ही थी, लेकिन उसके बाद जब फिर ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग इतने पैसे तो खर्च करते थे, ई रिक्शा तो इसमें 20 में भी लेके जाते हैं, 30 में भी लेके जाते हैं, 50 में भी जाते हैं, लेकिन कहते तो है कि कई बार आप लोग किराया 100 रुपए 150। वो तो फिर काले ऑटो वाले तो ना अपोजिशन पार्टियां तो बोलती रहेंगी ना एक दूसरे के लिए। पहले हम बोलते थे कि लोग बोलते थे काले ऑटो वाले बहुत पैसे लेते हैं। खुद सवारी उठाते हैं? सवारी आती नहीं, सवारी हमारे पे खुद आती है, हमने क्या उठाना, अभी स्टॉप पे लगाए होते हैं तो इधर खुद ही आते हैं, सवारी बैठती है तो फिर हम लेके जाते हैं। और भी कई सारे ई रिक्शा चालक है, उनसे भी बात करूंगा। सर, ई रिक्शा चलाने से पहले आप क्या? मैं ट्राला चलाता था। ट्राला चलाते थे, वो बड़ी गाड़ी जो होती है, तो अलग अलग स्टेटों में भी जाते, पूरे हिंदुस्तान में। वो ई रिक्शा के आने के बाद कितना जो है आपकी लाइफ में जो है चेंज क्या? सर पहले बड़ी गाड़ी भी थे, वहाँ दर होता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब चौका ई रिक्शा आ गई, ये डाल लिया तो यहाँ बहुत मुश्किलें आ रही हैं, कभी काले ऑटो वाले तंग करते हैं, कभी कोई तंग करता है। आपका नाम है? मनजीत सिंह। मनजीत सिंह, मनजीत कहाँ के रहने वाले? भगवती नगर के रहने वाले। लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि जितने भी ई रिक्शा चालक हैं वो सब बाहर के हैं, क्योंकि प्रशासन ने तो ये कहा था कि इससे जम्मू के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो किस तरह से देखते हैं? देखने से ही है सर कि जैसे ये हम मोहल्ले में चल रहे हैं, कुछ बाहर की गाड़ियाँ आती हैं वो सवारी उठा के ले जाएंगे, फिर उनसे जगड़ना पड़ता है, जैसे हमारा स्टैंड है तो बाहर की सवारी आती है, ई रिक्शा आता है वो बाहर से उठा के ले जाएगा, फिर वही लड़ाइयाँ लगती हैं, झगड़े होते हैं हमारे आपस में, काले ऑटो वाले आते हैं फिर वो तंग करते हैं, जैसे जीवन में खड़े हो जाते हैं, ऐसे इल्ज़ाम लग रहा है कि ये इतना पैसे लेते हैं, 150 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ शोषा है बस, ऐसा कुछ नहीं है।
तो साफ तौर से यहाँ पर जितने भी स्टैंड पर ई रिक्शा चालक है उनका कहना है कि हमें अभी तक जो है रेट लिस्ट नहीं मिली है, हमें जो सवारी जितना देती है चाहे वो 20 दे या 30 दे, उनको जो है हम क्या बोलते हैं ले जाते हैं और उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाते हैं। ये भगवती नगर का ई रिक्शा स्टैंड है, तो यहाँ से हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अब हम जाएंगे अगले स्टैंड पर और वहाँ से आपको जो है कई सारे ई रिक्शा चालक से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में जो है वो परिवर्तन आया ई रिक्शा आने के बाद। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के बेलीचराना के ई रिक्शा स्टैंड पर, यहाँ के ई रिक्शा चालकों से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बेलीचराना में ही रहता हूँ। तो बेलीचराना की पहले भी काफ़ी समस्या आती थी कि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती थी, तो ई रिक्शा आने से कितना जो है फ़र्क पड़ गया? ई रिक्शा आने से बहुत सारा फ़र्क पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पर रात को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो रात को हमें दिक्कतें बहुत सारी आई हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। तो जब से ई रिक्शा जब से आए हुए हैं तब से हम आधी रात को भी अगर किसी को एक आवाज़ मारेंगे तो ई रिक्शा हमारे पास तुरंत पहुँच जाता है, और ऊपर से पैसे खर्चा भी कम है इसका, कोई ऐसा नहीं है कि महंगा। जैसे हम ब्लैक वाला ऑटो अगर उसको बुलाएंगे हम वो 200-250 जहाँ मांगता है वहाँ ये 100-150 में चले जाते हैं। तो इनके आने से हमें बहुत सारा मतलब फ़ायदे हुए हैं। अभी पहले आप क्या काम करते थे? मैं पहले बस चलाता था, मैं बस ड्राइवर। अच्छा, बस से फिर आप ई रिक्शा पे आए, कितना फ़र्क पड़ा है पहले? बहुत सारा फ़र्क पड़ा, जो मैं वहाँ कमाता था वो मैं यहाँ कमा रहा हूँ, तो उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं हो, जो हमें यहीं बन रहा घर। मतलब पहले दूर दराज जाना पड़ता था? मैं 300 किलोमीटर मैक्सिमम मैं यहाँ से पाटर चलता था, जम्मू टू पाटर। तो मतलब 12.5 साल मैंने बस चलाई है। फयाज अहमद खान। फयाज कहाँ रहते हैं सर? बेसिकली मैं बेलीचराना से। बेलीचराना से? तो पहले क्या करते थे? मेरी शॉप थी अपनी फास्ट फूड की। अच्छा, फास्ट फूड की। तो ई रिक्शा आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा आपकी कमाई में? मैक्सिमम वही फ़र्क तो कोई नहीं हुआ, लेकिन ठीक ही है। ई रिक्शा लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत आसानी हो गई। जैसे पहले ब्लैक ऑटो वाले कहीं 500, 300, 400 से नीचे नहीं जाते थे, अब तो लोगों के लिए भी बहुत सुविधा हुई। 100, 50, 150 ज़्यादा 150 का किराया लेते, तो इस चीज़ की आसानी है, रेट की आसानी है, लोगों को सुविधा है। तो बाकी जो चालक है चाहे बस वाले हों या दूसरे ऑटो वाले हों, वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग उनके स्टैंड पर जाकर के सवारियां उठाते हैं। सर वो तो बात है, उनके स्टैंड की बात भी है, लेकिन अब ये तो मुद्दा है, अगर हमारे पास अगर कोई और दूसरा मतलब ई रिक्शा आता है, अगर वो यहाँ से कोई सवारी उठाएगा तो हम उस पर मैक्सिमम उस पर तो हम ई रिक्शा को भी, ई रिक्शा को तो फ़ायदा है, लेकिन जो ऑटो रिक्शा है उनको नुकसान हो रहा है, या मेटाडोर वगैरह है जो ओवरलोड करके जाते थे वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके आने से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो मिली हैं सवारियों को, हमारे सवारियों को आसान हो गया। जहाँ 20 रुपये से जाते हैं वहाँ इनको 50 दे के या 100 दे के जाना पड़ता था। यानी अगर 10 रुपये भी ज़्यादा अगर देना पड़ता है तो सवारियों को सहूलियत होती है कि खड़े होकर के लिए जाए। अच्छा, और जिस बात करूँगा क्योंकि पहले आपने बस भी चलाई है, तो फिर जिस तरह से उसमें आपने देखा और ई रिक्शा में महत्वपूर्ण फ़र्क क्या देखा? इसमें फ़र्क ये देखा मैंने कि जैसे कि हम बस चलाता था मैं और हमारे साथ कोई सवारी बैठेगी, मैक्सिमम अगर 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर जाती हो तो हमने 10 रुपये तो लेने ही उससे, या खड़ी जाएगी वो चार, उसको तो बैठने की जगह तो नहीं मिलेगी ना। जिस तरह से ई रिक्शा की यूनियन बनी, अभी भी कई बार मतभेद देखने को मिलता है, कुछ ई रिक्शा चालक कहते हैं हमारी ये यूनियन है, आप लोग कहते हैं हमारी यूनियन है, तो इलेक्शन को लेकर के या आपके प्रधान कौन है? क्योंकि प्रधान वही होता है जो आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाए। तो सर मैं पहली बात तो यही कहूँगा कि इलेक्शन का तो अभी कहीं दूर दूर तक हमें कोई मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा का अभी जो मसले थे वही पहले सेटअप नहीं हुए हैं, ना ही ई रिक्शा सेटअप हुआ है अभी। इसके हर चारों साइड से मतलब इसके कहीं भी चले जाओ, जैसे हम रेलवे में चले जाते हैं तो रेलवे वाले कोई ई रिक्शा वाला अगर साइड से निकलेगा तो ऑटो वाला उसको पकड़ लेगा, नहीं जी हमारा स्टैंड आपने गाड़ी क्यों उठाई लगाई यहाँ पे। एक ये पहले आए दिन, ये थोड़ी दिन की बात है, पहले ई रिक्शा का मसला हुआ था, लड़के को मारा था इन्होंने, तो वहाँ हमने हमारे तेजेंद्र पाल जी इन्होंने हमारी बहुत सारी सपोर्ट की है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 17 रिक्शे जम्मू गए थे तो इनका इलेक्शन हुआ था, उस टाइम ये चेयरमैन थे, तो हमें यही चाहिए। तो साफ तौर से जिस तरह से बेलीचराना ई रिक्शा स्टैंड का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हुई है, और यहाँ का जो महत्वपूर्ण समस्या थी कि क्योंकि यहाँ पर रात के समय कोई गाड़ी की सुविधा नहीं थी, और दिन के समय भी जो गाड़ियाँ चलती थी वो सिर्फ कम मात्रा में चलती थी, जिसके बाद बेलीचराना के आसपास के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल रही है। अब चलेंगे हम अगले स्टैंड पर और वहाँ के ई रिक्शा चालकों से बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कुंजवानी बंदूरख ई रिक्शा स्टैंड पर, यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ हैं। सर रविंदर सिंह जी मेरा नाम है। रविंदर जी पहले आप क्या काम करते थे? पहले ट्रक चलाता था, दूर दूर जाना पड़ता था, अब जब से ई रिक्शा आए चला रहे हैं गाड़ियाँ, तो बहुत बड़ी
कितना फर्क पड़ा है? कमाई ठीक ठाक हो जाती है? ठीक है, काम ठीक है, घर का सर्कल चल जाता है। लेकिन जिस तरह से कुंजवानी के मतलब कई लोगों का कहना है कि आप लोग उनके सवारी उठा लेते हो या हाईवे पे चलते हो, आपका रूट क्या है? हाईवे नहीं, हम लोकल चलते हैं, सोडे की तरफ जाते हैं, डेंटल कॉलेज की तरफ जाते हैं, हाईवे में चलते नहीं हैं। आप लोग कुंजवानी से बंधु रखो से सोडा हो गया, डेंटल कॉलेज हो गया, इधर चलते हैं, पिछना की तरफ चलते हैं, जहाँ मेट्रो रोड नहीं चलती है वहाँ चलते हैं हम। तो अभी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेट लिस्ट आई है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं ज़्यादा पैसे लेते हैं ये लोग। कोई रेट लिस्ट नहीं है हमारी, कोई ज़्यादा रेट नहीं ले रहे हम, जो जैन रेट है वही ले रहे हैं। कितने ई रिक्शा है यहाँ पर अभी तक? 25 हैं। 25 है। तो आप साफ तौर से कोई परेशानी आप लोगों को किस तरह? हमारे स्टैंड नहीं अभी तक बने, कुछ नहीं, हमारी सहूलतें नहीं बन रही, कुछ ना रेल लिस्ट आ रही है ना हमारे स्टैंड बन रहे हैं ना कुछ। आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की? आपके कोई यूनियन के प्रेसिडेंट हो जो आप? तेजेंद्र जी हैं ना, क्या बोलते हैं, तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी से हम मिले हुए हैं सब, उनसे ही बात कर रहे हैं, वो हमारा काम शाम करवा रहे हैं, वही सब जो अभी तक काम करवाया उन्होंने करवाया, और किसी ने नहीं करवाया। ठीक है, और भी कई सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? नमस्कार, देवीदास सर। देवीदास जी पहले क्या करते थे? और मैं प्राइवेट काम करता था। अच्छा। जब प्राइवेट काम करने कोई इतना वो साधन नहीं था, मैं सुबह जाना शाम को आना, फिर भी हमारा कोई गुजारा नहीं होता था। जब से ये ई रिक्शा लिया हमने, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा सोर्स मिला हमें ये काम करने के लिए, हम जो लिया हुआ है अब हमें और परेशानी डाल रहे हैं, जो गवर्नमेंट का भी कोई रूल निकाल। तो गवर्नमेंट ने ही बोला है ना, ये तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर। हाँ, ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें देते हैं। हाँ। लेकिन ये गवर्नमेंट अलग अलग रोल के कानून निकालती है, कभी ये करो कभी वो करो, हम अपने रास्ते में चलते हैं मजे से, हमें किसी जगह से परेशानी नहीं है, हम चलते हैं अपने रास्ते से। और जब कोई सवारी मिलती है हम नीचे चलते हैं, कभी 10 रुपये कैसे 20 रुपये सवारी उठा देंगे, यहाँ भी हमारा रेट कोई फिक्स नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सवारी का क्या रिस्पांस रहता है, वो खुश है? सवारी खुश है हमारे काम करने का, सवारी जो है रिस्पांसिबिलिटी पूरी देती है हमें, ठीक है हमें सुविधा मिली है, अच्छी मिली है। तो सवारी जिस तरह से कई लोग चाहे काले ऑटो वाले हो, वो कहते हैं कि जबरदस्ती हमारी सवारी उठा लेते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सवारी हमारी खुद आती है, जो हमारे पास है वही लेते हैं, हम किसी से उठाते नहीं है। तो जिस तरह से अभी आपके मतलब यूनियन बनी है, क्योंकि अभी नए नए सारे ई रिक्शा आ रहे हैं और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सवारी को भी फायदा मिलता है, तो क्या चाहते हैं कि एक चुनाव प्रधान आए या कोई है आपकी नज़र में? नहीं सर, अभी हमारे जो पहले जो चल रहे हैं तेजिंदर पाल सिंह अमन जी, वही चल रहे हैं, वही जो सारा काम कर रहे हैं, अब इलेक्शन का कोई हमारा नहीं कोई स्टैंड बन रहा है, तो इलेक्शन का क्या स्टैंड? क्या चाहते हैं, वही रहे? हम तो चाहते हैं वही रहे, काम से वो खुद काम करने वाले बंदे हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं, वो काम भी कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा खुद अपना डिसाइड नहीं होता, प्रेसिडेंट को क्या डिसाइड करेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करना है? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमें भी कोई सुविधा दो, अच्छी सुविधा दो, हमें स्टैंड दो कहीं, दो कहीं अच्छी तरह से, हमें भी सब पता चले भी हम ई रिक्शा चला रहे हैं, एक दूसरे से हम झगड़ा करके कोई हमें फायदा तो है नहीं। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं कई सारे लोगों के जीवन में जो है बदलाव आया है और काफ़ी ज़्यादा खुश है, जिस तरह से आपने भी देखा कई लोगों का कहना था हमें रोज़गार मिला है और अब हम जो है अपने घर के पास ही रहते हैं और अपना समय जो है जो परिवार को पहले नहीं दे पाते थे अब वो दे पाते हैं, और प्रशासन से भी ये अपील कर रहे हैं कि जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उनको दूर किया जाए, जो नियम का जो है वो बनाया जाए, ताकि उनको भी किसी से झगड़ा लड़ाई करने की ज़रूरत ना पड़े। जनता अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे कि कैसी लगी उन्हें हमारी ये रिपोर्ट। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1।